पाकिस्तान के सैकड़ों कट्टरपंथी मुसलमानों ने शुक्रवार देर शाम सिखों के पवित्र धर्म स्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे को घेरकर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सिखों को भगाने और ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी भी दी। घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नाराजगी जाहिर करने के बाद मामले में पाकिस्तानी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इमरान सरकार ने अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से समझौता कर गुरुद्वारे के बाहर से भीड़ हटाई और 35 सिख श्रद्धालुओं को सही सलामत बाहर निकाला। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से चार दिन पहले ननकाना साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर को मोहम्मद हसन नाम के मुस्लिम युवक ने अगवा कर लिया था, धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। तब लड़की के पिता ने करतारपुर में धरना देने की चेतावनी दी थी। इसके चलते पुलिस ने लड़की को वापस पिता के पास भिजवा दिया था। मुस्लिम लड़का रईस परिवार से है। बाद में कुछ लोगों ने उसकी ताकत पर सवाल उठाए, कहा कि कैसे बंदे हो जो लड़की चली गई। इसके बाद उस युवक ने दोबारा लड़की को अगवा कर लिया। विरोध में सिखों ने प्रदर्शन किया, जिसे स्थानीय मुसलमानों ने समुदाय के खिलाफ मान लिया। इसी वजह से गुरुद्वारा साहिब पर पथराव किया गया। पंजाब प्रांत के एक मंत्री ने फोन कर पुलिस को मौके से सिखों को निकालने के लिए कहा, तब जाकर पुलिस पहुंची। इस घटना की गूंज दुनिया भर में पहुंची है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने प्रधानमंत्री इमरान खान से सवाल करते हुए कहा कि यह चिंता की बात है, आखिर क्यों पाकिस्तान में सिख समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। सिख समुदाय के प्रदर्शन के बाद लड़की को अगवा करने वाले हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को प्रदर्शन के बाद देर रात उसे रिहा कर दिया गया। भीड़ ने कहा, मर्जी से इस्लाम कबूल कर शादी करने वाली लड़कियों को लेकर सिख समुदाय बेवजह हंगामा खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने सिखों को भगाने, गुरुद्वारे ढहाने और शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा रखने की धमकी दी थी। भीड़ का नेतृत्व ननकाना साहिब की सिख लड़की जगजीत कौर को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने के आरोपी मोहम्मद हसन के परिवार ने किया। हसन ने भीड़ से कहा, शहर की जनता यहाँ गुरुद्वारा नहीं चाहती, यहाँ पर एक भी सिख को नहीं रहने दिया जाएगा। 28 अगस्त 2019 को गुरुद्वारा ननकाना साहिब के ग्रंथी के परिवार ने मुस्लिम युवक व उसके साथियों पर उसकी नाबालिग बेटी का धर्मांतरण कर जबरन निकाह करने का आरोप लगाया था। भारत ने गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि पाक सिखों की सुरक्षा के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए, उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही हो। इधर एसजीपीसी प्रधान भाई लोंगोवाल ने कहा कि समूचा सिख पंथ पाक में सिखों के साथ है। आज पाकिस्तान चे सिख संगत उत्ते बड़ा दुख भरिया दिन गुजरिया, जिदे विच ननकाना साहिब गुरुद्वारा श्री जना स्थान उत्ते पथराव किया गया है और उसका कारण एक छोटी जी फैमिली है जिहड़ा वो इंतशार फैलाना चाह रही है सिख मुस्लिम दोस्ती का। ये लोग नहीं चाहते कि जरा सिख मुस्लिम दोस्ती का मिशन है वो कायम दायम रहे। अज इस तरह होया, कल इस तो वध ये लोग साढ़े उत्ते हमला कर सकते ने। मैं पाकिस्तान गौरमेंट को यह अपील करदा कि जिहड़ी फैमिली है इहदे विच दो बंदे हैगे ने, जिहड़ा पुत्र ते इहदा फादर है, ये दो बंदे हैगे ने। सारी पूरी पाकिस्तानी सिख संगत चाहती ने ते साडा अपना हक है, अपना हक असी पाकिस्तान गवर्नमेंट तो मंगदे आ कि दोनों के उत्ते कार्रवाई की जावे। ते कि धारा है 295 सी, असी चाहते हैं कि यह धारा उहदे उत्ते लगे ताकि दोबारा असी जिन्हें भी इत्थे सिख पाकिस्तानी सिख संगत रहिंदे ने असी हमेशा यह कहिंदे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वास्ते पाकिस्तान गवर्नमेंट साढ़े वास्ते बहुत कुछ करती है ते असी यह प्राउड फील करते हैं इत्थे रहने वास्ते। लेकिन इस तरह के दो चार बंदे आके साढ़े इत्थे इस तरह के माहौल क्रिएट करते हैं, मैनू तो यह लगता कि एक कितों बाहर की साजिश है। ये बिना साजिश तो यह चीजा इत्थे नहीं हो सकदियां ने। ते मैं बार बार ये पाकिस्तान गवर्नमेंट तो अपील करदा, पूरी पाकिस्तान सिख संगत अपील करती है कि इन दोनों बंदे उत्ते कार्रवाई करे ताकि असी जड़ा ए मिशन है अमन भाईचारे दा सिख मुस्लिम दोस्ती दा ए बरकरार रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।